हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फंड्स के बारे में। आप लोगों को 2019 के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट फंड की इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पहले बात कर चुके हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि एक सीरीज़ हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने बेस्ट फंड्स के बारे में बात की थी। उसका एक वीडियो जो था हमारा वो अभी तक नहीं आया था। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं अगर हम लोग सारी कैटेगरी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके अंदर अभी हमारे पास कौन से ऐसे फंड्स निकल के आते हैं 2019 के अंदर जहां पर हमको आने वाले समय के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने इन फंड्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, किस तरीके का प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं मैं उनको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सो हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर का यूज़ करते हैं, फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्कीम्स को निकालते हैं। सो इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सारे इक्विटी फंड्स को यहाँ पर कंसिडर किया है इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड। यहाँ पर हम लोगों ने सारी AMC को इंक्लूड किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर लगाया जिसमें हम लोगों ने कोई कैटेगरी यहाँ पर नहीं डिसाइड की कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम लोगों ने सारी कैटेगरी को वहाँ पर चूज़ किया। कुछ रेशियोज़ को हम लोगों ने यहाँ पर देखा जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। उसके बाद CAGR रिटर्न्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। CAGR रिटर्न आपको पता है, यहाँ पर 5 ईयर के CAGR को देखा है, सिंस इंसेप्शन से इसने क्या रिटर्न दिए यहाँ पर उनको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो हमारे पास था वो था अल्फा का और बीटा का। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना ज़रूरी है। अभी हम लोग देखेंगे फंड्स के अंदर यहाँ पर, उसके बाद फंड की एज कितनी है, फंड मैनेजर कौन है, उसके बाद जहाँ पर उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कंपनीज़ फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है उनका, वो कितना ग्रोथ कर सकती है, उसके बारे में भी यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ती है। तो अगर आपका व्यू यहाँ पर 5 साल से ऊपर का है इन्वेस्टमेंट करने का सो आप इन स्कीम्स के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो स्कीम्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है ये पर्टिकुलरली मेरी रिकमेंडेशन मेरे लिए है। अगर मुझे यहाँ पर किसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और 2019 के अंदर यहाँ पर जितनी मेरी स्टडी और मेरा एनालिसिस बोलता है कि अगर मुझे किसी स्कीम के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ये वो 5 स्कीम होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फंड निकल के आता है टाटा इक्विटी PE फंड का। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फंड हाउस है वो है टाटा म्यूचुअल फंड, और टाटा इक्विटी PE फंड यहाँ पर एक वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड क्या होता है आई होप कि आपको यहाँ पर पहले से पता होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं करंट NAV जो कि हम लोगों ने कंसिडर किए 20 मार्च तक के लिए, यहाँ पर 141.2 चल रही है। इसका बेंचमार्क अगर हम लोग देखें तो वो है यहाँ पर S&P BSE सेंसेक्स TRI। सो जब भी हम लोग टाटा इक्विटी PE फंड को यहाँ पर देखें या इसको ट्रैक करें सो हम लोग कौन सा बेंचमार्क यूज़ करेंगे, वहाँ पर सेंसेक्स को यूज़ करेंगे। और TRI के बारे में हम लोग पहले वीडियोज़ के अंदर भी बात कर चुके हैं। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके अंदर डिविडेंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। बात कर लेते हैं इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, कितना एसेट्स है यहाँ पर स्कीम्स के साथ में, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो हमको पता लगता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंदर। तो लगभग यहाँ पर 5000 करोड़ के आसपास एसेट्स देखने को मिलेगा टाटा इक्विटी PE फंड के अंदर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 6 मंथ पहले इस फंड का यहाँ पर रिव्यू किया था और हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस फंड के साथ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने कई रेशियोज के बारे में समझाया हुआ है जैसे कि अल्फा क्या है इस फंड का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो डिटेल में आपको यहाँ पर रिव्यू देखना पड़ेगा अगर आपको और जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर फंड के बारे में। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिगर जो अपडेट हुआ है फरवरी के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम हो चुका है, 0.28% पे आप देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर काफ़ी गिरावट आई है एक्सपेंस रेशियो के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था सभी लोगों के लिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगले फंड की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो अगला फंड यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है SDFC स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी करंट NAV की तो वो चल रही है 46.8। यहाँ पर देख लेते हैं इसका बेंचमार्क। यहाँ पर जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI इंडेक्स। AUM कितना है इस फंड के साथ में वो है लगभग 6300 करोड़ के आसपास। फ्रेंड्स, इसका मैंने हाल ही में एक रिव्यू किया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा रिव्यू है। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना अल्फा यहाँ पर जनरेट किया है इस फंड ने। यहाँ पर लगभग 9-10% का अल्फा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अल्फा क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर टिकर आ रहा है, और ये सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए भी उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर SDFC स्मॉल कैप फंड सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने रखा है। अगर आपको यहाँ पर
स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर ही जाना है। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पर L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, रिलायंस स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड के साथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि HDFC स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बता दिया है तो अभी हम लोग सब स्विच कर ले हैं। ये फंड्स भी अच्छे हैं, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टॉप फंड्स कौन से और मुझे क्या पसंद है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे SBI का स्मॉल कैप फंड या रिलायंस का स्मॉल कैप फंड में, सो 19-20 है। अगर हम लोग बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छा फंड है तो वो स्लाइटली थोड़ा सा कम अच्छा फंड है। बाकी यहाँ पर रिटर्न्स में इतने कोई खासा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम लोग एक्सपेंस रेशियो को। एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा HDFC स्मॉल कैप फंड का 0.87 यहाँ पर। सो अगर 1 से कम है एक्सपेंस रेशियो तो काफी अच्छा होता है हमारे फंड के लिए यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फंड है HDFC का स्मॉल कैप फंड है, तो अगर आपका व्यू इस पर्टिकुलर फंड के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपका व्यू यहाँ पर 7 ईयर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आप मार्केट के उतार या चढ़ाव से इतना इम्पैक्ट नहीं होते हैं, तो फिर आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के अंदर इस फंड के अंदर काफी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। यहाँ पर जो हमारा तीसरा फंड है वो मिड कैप कैटेगरी के अंदर है, और जो मुझे सबसे बेस्ट मिड कैप फंड लगता है यहाँ पर वो है L&T मिड कैप फंड। मैंने पिछले हफ्ते इस फंड का यहाँ पर फुल रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। करंट NAV की बात करें यहाँ पर तो 139 चल रही है। बेंचमार्क इस फंड का है निफ्टी मिड कैप 100 TRI। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो है लगभग 3700 करोड़ के आसपास। अगर हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो तो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है HDFC के कंपैरिजन में, जो कि है 0.93%। सो काफ़ी मैनेज्ड एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो सो जो तीन फंड मैंने अभी तक यहाँ पर डिस्कस किए हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं 2019 के अंदर। अगर मुझे यहाँ पर SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इन तीनों फंड के साथ यहाँ पर जाऊँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगभग 2000 से 2500 स्कीम्स को यहाँ पर ट्रैक करता हूँ डेली बेसिस पे। उसके बाद उनके एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर देखता हूँ, उनके पोर्टफोलियोज को देखता हूँ, कौन सी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, फ्यूचर में पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट्स यहाँ पर शो करता हूँ। काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है, काफ़ी मेहनत लगती है फंड्स को सिलेक्ट करने में। सिर्फ इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ पर कोई भी 5 स्कीम लेकर आ गए और वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सो आप इसको बड़ा सीरियसली ले यहाँ पर, जो भी हम लोग यहाँ पर फंड डिस्कस कर रहे हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला फंड निकल के आ रहा है वो है इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। सो इस फंड के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। करंट NAV की यहाँ पर बात करते हैं हम लोग तो 37.3 आपको देखने को मिल रही है। बेंचमार्क जो इसका है वो S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप 65-35। ये जो फंड है ये लार्ज और मिड कैप फंड है, आप इस फंड के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी AUM की तो वो काफ़ी कम है यहाँ पर, लगभग 1100 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर किसी को यहाँ पर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के अंदर जाना है तो वो इस फंड के साथ में ज़रूर यहाँ पर जा सकते हैं। देख लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर। सो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.09, एक या एक के पास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इसका रिव्यू आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे इसका रिव्यू यहाँ पर कि ये फंड के अंदर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना पोर्शन कहाँ पर है, कितने लार्ज कैप कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। डिटेल में इसका रिव्यू बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा अगला फंड है फिफ्थ फंड वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक मल्टी कैप फंड है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो लोग मल्टी कैप फंड्स के साथ यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप हमारा मल्टी कैप फंड वाला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने 6 के अंदर यहाँ पर इस फंड को इंक्लूड किया था। सबसे अच्छी बात मुझे इस फंड के बारे में लगती ये है कि इसका जो बीटा है वो काफ़ी मैनेज्ड है, लगभग 0.7 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो वो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आती है उस केस के अंदर भी हमारा फंड एकदम से इतना नहीं टूटता यहाँ पर। सो जो लोग यहाँ पर लो बीटा म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहते हैं मल्टी कैप फंड के साथ में, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है यहाँ पर नए लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी यहाँ पर इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ICICI का मल्टी कैप फंड, मोतीलाल का 35 मल्टी कैप फंड, वो फंड भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम नेक टू नेक इसको टक्कर देते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने पराग पारेख को इसलिए यहाँ पर चूज़ किया बिकॉज ऑफ द लो बीटा, और इसके अंदर जो एक्सपोजर बनाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको इस फंड के साथ में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि पराग पारेख का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा है तो कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल का 35 मल्टी कैप फंड या ICICI का मल्टी कैप फंड अच्छे नहीं है। बात यह आ रही कि मुझे यहाँ पर अच्छे लगते हैं ये पांचों फंड यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर SIP या इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इन 5 फंड्स के साथ यहाँ पर जाना पसंद करूँगा। बात कर लेते हैं इसकी करंट NAV की यहाँ पर, तो वो चल रही है 25.6 यहाँ पर। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI।
AUM यहाँ पर जो है इस फंड का वो है लगभग 1600 करोड़ के आसपास। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि किसी को 25,000 की या 20,000 की SIP स्टार्ट करनी हो तो क्या हम लोग इन पांचों फंड के साथ में जा सकते हैं? फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि किसी भी तीन फंड के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी रिस्क कैपेटाइट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फंड्स को देखें, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी दो फंड या कोई भी तीन फंड के साथ में बिल्कुल जाएं। ये फंड अगले 5-6 सालों के अंदर आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके यहाँ पर देने वाले हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपने जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर या जो भी पोर्टफोलियो आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है आप चाहें तो उससे रिव्यू करवा सकते हैं। उसके लिए आप या तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर आप मुझे अपना पोर्टफोलियो ईमेल कर दें तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम लोगों को कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है उसके अंदर। सो वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 1.40% देखने को मिलेगा, स्लाइटली हायर है यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये फंड काफ़ी अच्छा है, अगर आप यहाँ पर इतना एक्सपेंस रेशियो देना पसंद करते हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीरीज़ थी हमारी वो कंप्लीट हुई, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर मल्टी कैप फंड्स यहाँ पर कौन से अच्छे हैं, और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे यहाँ पर टॉप 5 फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं कहाँ पर करूँगा 2019 के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं यहाँ पर, आप इनके साथ में ज़रूर जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप इनको यहाँ पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो यहाँ पर आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, इसको ज़रूर से लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर यहाँ पर शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।